सो है गाइस वंचाज सुदेश है। सो आज की वीडियो है कि तुम अपनी बाइक को मतलब पॉलिश कैसे कर सकते हो सस्ती में सस्ती और मतलब चमका सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो इस वीडियो में पूरा वो सब होगा, सो लेट्स गो। सो ठीक है, पॉलिश करने से पहले तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी बाइक को ना वो चमका लेना। चमकाने का एक तरीका है, इसे धो लेना अच्छे से, ठीक है। घर में धो लो या बाहर जाकर धुलवा लो, मतलब अच्छे से चमका देना, इसे धो लेना, तभी जाके जो पॉलिश करेगा अच्छा निकलेगा। वो तभी निकलता है जब बाइक साफ होती है, वरना पॉलिश होती नहीं है। सो ठीक है, पॉलिश करने के बाद मतलब पॉलिश के लिए तुम्हें तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक बाइक या फिर गाड़ी, दूसरा कपड़ा, तीसरा खुद पॉलिश, ठीक है। सो ये पॉलिश तब करनी होती है जब तुम्हारी बाइक धुल जाए, जैसे अभी चमकी हुई मेरी बाइक पूरी अच्छे से, तो इसके बाद तुम्हें पॉलिश करनी होती है। पॉलिश के लिए क्या, ये 20 रुपये का पॉलिश आती है, ठीक है, किसी भी दुकान पे मिल जाएगी, मैकेनिकल वाले मैकेनिक वाले। तो पहले जो सूखा कपड़ा है ना, अच्छे से पहले पूरी बाइक में मार लेना। मैं भी टंकी टंकी करके दिखा रहा हूँ बस, क्योंकि पूरी बाइक में बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम होता नहीं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा करके दिखा देता हूँ, बाद में पूरी बाइक करके दिखा दूंगा मैं अच्छे से। तो पहले अच्छे से कपड़े मार लेना पूरी बाइक पे, ठीक है। उसके बाद करना है बाइक की जो पॉलिश है वो लेनी है, हर जगह लग जाती है गाड़ी बाइक कुछ भी हो, और हल्का हल्का ऐसे डॉट डॉट बनाते जाना है जहाँ जहाँ पे तुम्हें लगानी पॉलिश, ठीक है, ऐसे लग जाएगी। फिगर करना है जो फॉर्म मिलता है इसके साथ, इस फॉर्म को लेना है, फॉर्म को लेना है, और ये फॉर्म को ना ऐसे रख के सीधा सीधा नहीं मारना, हमेशा गोल गोल राउंड राउंड, ठीक है, मतलब एक टाइप से बफिंग करनी है इसकी। तो ऐसे जो गोल गोल चलता रहेगा, इसे बिल्कुल सीधा मत करना, हमेशा गोल गोल करना है, जहाँ जहाँ पे पॉलिश लगी है लगानी है, मतलब तुम्हें वहाँ पे गोल गोल करते रहना, सीधा मत यूज़ करना है इसे बिल्कुल भी, हमेशा गोल गोल जितना हो सके, ठीक है। और जहाँ पे तुम्हें लगे कि पॉलिश कम लग रही है, वहाँ पे दोबारा से हल्की सी और लगा दो, अरे कहाँ, और इसको ऐसे गोल गोल घुमाते रहना है, हल्का हल्का पूरी जो सरफेस है ना वो पूरी चिकनी चिकनी साफ साफ हो जाएगी, बिल्कुल शाइनी एकदम। पॉलिश कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि यहाँ पे नहीं यूज़ करना, वहाँ पे यूज़ नहीं करना, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बस एक जगह छोड़ देना वो है ये साइलेंसर, ठीक है, यहाँ पे छोड़ देना, बाकी हर जगह यूज़ कर सकते हो तुम। ऐसे गोल गोल राउंड राउंड में करते रहना है बस। तो जहाँ पे तुम्हें लगे नहीं पहुँच रही, वहाँ पे क्या करना, हल्का सा कहीं से चिपकानी है और ऐसे घुसा देना, ठीक है, हर जगह हो जाएगी। तो पूरी अच्छे से बफिंग करने के बाद देखो चमक तो आ गई है, हल्की हल्की अभी भी ऐसा लग रहा है, थोड़ा रफ रफ सा सरफेस है। क्या करना है, थोड़े सूखने देना है इसको, अभी मैं इतना टाइम नहीं मेरे पास, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। सूखने देना हल्का सा थोड़ा बहुत, फिर क्या करना है, जो सूखा कपड़ा है ना तुमने लिया था पहले, उसको लेके हल्का सा ऐसे घिरते रहना, फिर देखो क्या शाइन आई है, फिर देखो बाइक कैसे चमकेगी, और वो दिख ही रहा होगा रिजल्ट तो, है ना। तो अच्छे से रगड़ रगड़ के कपड़ा मार देना। सो ठीक है, एज यू कैन सी वहाँ पे देखो कितनी चमक आ चुकी है, अब बस इतना पोर्शन करके दिखाया था मैंने, और दूसरा पोर्शन देखो इस पर भी आ रही है हल्की हल्की, क्योंकि इस पर भी हो रखा है, मगर यहाँ पे देखो बफिंग भी हुई है और ऊपर से कपड़ा भी मर रहा है ऐसे ऐसे करके, तो इस पर ज़्यादा चमक आ चुकी है। तो हो सके तो सूती कपड़ा लेना जो कॉटन का होता है, ठीक है, नॉर्मल कपड़ा मत लेना, सिंथेटिक वगैरह या फिर नायलॉन का कोई सा भी मत लेना, कॉटन का हो सके उतना लेना, कॉटन का करता है अच्छे से मतलब बफिंग में हेल्प कर देता है और स्केचेस कम मारता है, ठीक है, क्योंकि वो होता है, या फिर हो सके तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि माइक्रोफाइबर सबसे बेस्ट कपड़ा वो, ठीक है, अगर उसको लेना हो तो वो लेना, यूज़ करना, नॉर्मल कपड़ा मत लेना, कॉटन का या फिर माइक्रोफाइबर ये ज़्यादा अच्छे बेस्ट रहते हैं सही बताऊँ तो। और नलका डस्को जो होता है ना वो फेंक देता है, मतलब डस्को करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पास माइक्रोफाइबर, वो करता है डस्को चिपकने नहीं देता, जिससे कि तुम्हारी बाइक पे जितना हो सके उतना कम, या फिर बाइक गाड़ी जो भी हो उसके स्क्रैच कम होते हैं। तो इसलिए जो भी कॉटन का कपड़ा लेना या फिर माइक्रोफाइबर वही बेस्ट है। तो बस ये था, अभी मैंने टैंक करके दिखाया, बाकी बाइक अभी मतलब साफ हो रखी है, बस जो देखो टैंक ज़्यादा चमक रहा है कितना, जहाँ पे मैंने पॉलिश करी थी, जहाँ पे मैंने पॉलिश करी थी उस हिस्से को देखो, और जहाँ पे पॉलिश नहीं है उस हिस्से को देखो, पूरा कंपेयर पता लग रहा है ये कितना शाइन मार रहा है, अलग ही शाइन मार रहा है, और देखो मतलब शाइन ये भी है मतलब कम शाइन है, इसमें ज़्यादा शाइन आ रहा है, ठीक है।
और चीज़ बता दूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं मतलब ये दिखा रहा कि ये पॉलिश का यूज़ करो, जो तुम्हारे आसपास मिल जाए उसको यूज़ कर लेना, या फिर नहीं मिले तो ऑनलाइन सर्च मार लेना। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें ये वाला पैकेट चाहिए हो। मेरे को मिल गया था 20 रुपये का, इसलिए मैं लेके आ गया था दिखाने के लिए कि 20 रुपये में पॉलिश अच्छी खासी हो जाती है, बाइक अच्छी खासी चमक जाती है। ज़रूरी नहीं है कि तुम 100, 200, 150 रुपये खर्च करके बाइक चमकाओ अपनी, ठीक है। वो मतलब तुम्हें ज़्यादा चमकानी हो तो वैसे बेस्ट रहता है वो पॉलिश की एक डब्बी ले आओ, इतनी बड़ी सी आती है एक, ठीक है, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बट मेरे को ज़्यादा यूज़ इतनी नहीं लगती क्योंकि मैं ज़्यादा कवर चढ़ा के रखता हूँ और कपड़ा मारता रहता हूँ, इसलिए जो मेरे कभी कभार यूज़ करनी होती है मैं इसलिए पॉलिश लेकर आ जाता हूँ कभी कभार, ठीक है। ये कभी कभार मार देता हूँ अगर मारनी होती है तो मुझे, अगर तुम्हें चाहिए हो तो मेरे पास इसको लिंक भी नहीं है, सही बताऊँ तो एफिलिएट नहीं कर रहा मैं इस चीज़ को, ना प्रमोट कर रहा, जो तुम्हें बेस्ट लगे उस हिसाब से तुम करना, और बस ये था, ठीक है। सो ठीक है, मैंने एक और चीज़ दिखा देता हूँ, देखो ये वाला मैंने पॉलिश सो पहले दिखाता हूँ, ये जो है ये अनट्रीटेड है, मतलब कि पॉलिश नहीं करा इस वाले एरिया पे, और ये है जिसमें मैंने पॉलिश करी है, ठीक है। चमक साफ दिख रही होगी, इसकी चमक देखो और इसकी चमक देखो, हल्का हल्का डर है ना, और ये है कितना शाइन मार रहा है, ठीक है। तो पॉलिश करने का ये तरीका है, बस इसको गोल गोल घुमा देना, और नहीं तो उस पर लिखा भी रहता है, पीछे दिखा देता हूँ इसके, मैं कोई सी पॉलिश लो ना यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि कैसे तुम्हें यूज़ करना होता है, नहीं तो ये जो मैंने बताया हर किसी का ये प्रोसेस रहता है, गोल गोल घुमाना है, फिर कपड़े से 10-15 मिनट रखने, फिर कपड़े से साफ कर देना, ठीक है। तो कभी भी ऐसी जगह पॉलिश करनी हो जो चीज़ मतलब अंदर घुसी है इसके, ठीक है, बट ये खुल भी सकता है मेरे को पता है, तो हमेशा इसको खोल के साफ करना है, ठीक है। खोल के मतलब इन द सेंस दिखा देता हूँ मैं कैसे, यहाँ पीछे चाबी डालनी है, सो ठीक है, जैसे देख सकते हो इतना पोर्शन ना हमेशा रह जाता है साफ करने के लिए, तो ये गंदा है, साफ साफ दिख रहा होगा इतनी लाइन आ रही है बनी हुई, तो ये गंदा है, मतलब इसलिए जब तुम साफ करो ना तो इस पोर्शन को भी अच्छे से साफ कर लेना सीट खोल के, ठीक है। ये अंदर तो साफ होता नहीं, रोज रोज कभी कभार साफ होता है, तो उस पर हल्का हल्का कपड़ा मार लेना, इसमें पॉलिश मारने की जरूरत नहीं है। तो जो तो जहाँ जहाँ पॉलिश लगती है ना, जैसे कि ये हो गया, ये गंदा हो रहा है पूरा, ठीक है, यहाँ तक सीट आती है, यहाँ तक सही है, ज़्यादा साफ हो जाता है मतलब कपड़ा अपना लग लग के, बट बाकी सारा पोर्शन गंदा पड़ा है क्योंकि यहाँ पे सीट रहती है, और वैसे ही जैसे ये है, ठीक है, ये भी गंदा पड़ा है, और बस ठीक है, इसको भी पॉलिश कर देता अच्छे से, फिर उसको दिखा दूँगा। सो ठीक है, पूरी पॉलिश हो चुकी है बाइक की, एज यू कैन सी पूरी बाइक ऐसे चमक रही है जैसे अब आई थी अभी शोरूम से, नहीं शोरूम से भी नहीं चमक रही थी, सही बताऊँ अब ज़्यादा चमक रही है, आज की सफाई है ना पूरी, चलो एनीवेज। सो इसमें बहुत टाइम लग गया करने में, पूरा पसीना पसीना हो गया, वैसे इतनी गर्मी हो रही है, बट पकड़ दिया ना ब्लैक कलर है तो अलग ही चमकता है, ज़्यादा अच्छा लगता है सही बताऊँ तो, एक तो मैंने स्मोक भी करा रखी है तो ये भी अच्छी लगती है सही बताऊँ तो, पूरी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। बस इस वीडियो में इतना ही था, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, अगर इसलिए लाइक कर देना, इसलिए डिसलाइक कर देना, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।